राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, आलमबाग कोतवाल नहीं संभाल पा रहे आलमबाग थाने की कमान। आलमबाग पुलिस की लापरवाही लगातार हो रही उजागर। उत्तर प्रदेश में योगी राज में भी महिलाएं नहीं हैं सुरक्षित। थाना आलमबाग क्षेत्र में महिला के साथ हुई कल शाम छेड़छाड़ व महिला के फाड़े गए कपड़े। इंस्पेक्टर आलमबाग केवल फोटो खिंचवा कर करते एक्टिविटी का दिखावा। एक ही दिन में दो दो घटना, एक तरफ पुलिस पर हुआ पथराव तो वहीं दूसरी तरफ महिला के साथ किया गया छेड़छाड़ व महिला के फाड़े गए कपड़े। महिला ने लगाई आला अधिकारियों से न्याय की गुहार। क्या नाम है तुम्हारा? सोनी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कल फोन आया था, एक कॉल आई थी, मैंने उठाया और वो जो है बोला नहीं कि मैं बच्चे ने उठाया। फिर सर उसने जो बोला तुमने कॉल किया, हमने कहा इधर से मैंने कॉल किया है, तब तुम लोग बोल नहीं रहे थे। और सर उधर से वो आया मुझे मारने लगा, मारने के बाद कह रहा कि तुम्हारा आदमी भी आएगा उसको भी मारेगा। मेरे हाथ से मेरे शरीर पे जो हाथ डाला उसने मेरा कपड़े भी फाड़ दिया था और कह रहा था तुम्हारे आदमी देखो उसके सामने भी तुम्हें मारेंगे हम। तो सर इसको जो है बंद करवाइए सर। आप पुलिस के पास गई थी? जी सर, हम गए थे पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई करने के लिए राजी था सर, वो मकान मालिक के दबाव में कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने कहा सर अब जो भी करना सुबह आपको सुबह करना होगा सर, मैं ये चाहता हूँ कि इनको सख्त से सख्त जेल भेजा जाए, इनके साथ सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि औरत के मेरी इज्जत पे लड़के ने हाथ डाला है। मैं सर उस समय मौजूद नहीं था, औरत मेरी घर के अंदर अकेली थी, मेरे दो बच्चे थे, उन्होंने उसका सारा कपड़ा फाड़ दिया, उसको निवस्त्र करने की कोशिश किया सर, उसके इज्जत के साथ उसने बहुत गंदी छेड़छाड़ किया है।